हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। रशिया और यूक्रेन वॉर से एक चीज़ जो हमें समझ में आता है वो ये है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन करना चाहिए उस देश से। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू नहीं हुआ था तब US और अलाइज कंट्रीज कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे थे जिसको पढ़ के ये लगता कि ये सारे देश इनडेफिनिट तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। वहीं अगर हम आज की बात करें तो लगभग यूक्रेन 20-25% अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को खो चुका है इस वॉर में और चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि रशिया उन सब एरियाज को यूक्रेन को वापस करेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिनकी अच्छी समझ है डिफेंस या वॉर को लेके, उनका यह मानना था कि अगर किसी भी तरीके से ज़ेलेंस्की डायरेक्टली बात करते व्लादिमीर पुतिन के साथ तो चांसेस था कि इस वॉर को रोका जा सकता था, जहां पे एटलीस्ट जो सिविलियंस थे उनकी कैजुअल्टी को रोका जा सकता था। लेकिन वहीं पे अगर आप US, UK या फ्रांस का बिहेवियर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारे देश बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं प्रॉक्सी वॉर में। या अगर हम स्पेसिफिकली इसी वॉर की बात करें तो जिस तरीके से यूक्रेन को एज इन प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया है रशिया के खिलाफ में, और वहीं बढ़ चढ़कर वो सारे देश रशिया के साथ आज भी बिजनेस कर रहे हैं। अब एक चीज को आप सोचें कि क्या यूक्रेन कभी इतना केपेबल था कि वो रशिया से लड़ सकता था? रशिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और US या और भी कोई वैसे देश जिनके संबंध रशिया के साथ अच्छे नहीं है वो कभी भी रशिया से उलझना नहीं चाहेगा। ये सारे बात को अगर आप सिर्फ महज कागजों में ही पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रशिया से वॉर में जाना कंप्लीट तरीके से एक फ्लॉप आइडिया है। वहीं पे इस वॉर को लंबा खींचने के लिए US और अलायंस कंट्रीज बढ़ चढ़कर या समय दर समय यूक्रेन को कभी पैसे से कभी वेपन से सपोर्ट करते रहें ताकि यूक्रेन इस वॉर में बना रहे। और कहीं ना कहीं जब से इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब से इस तरीके से यूक्रेन को इग्नोर कर दिया गया है जैसे कि यूक्रेन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ठीक उसके बाद रशिया एग्रेसिव तरीके से इस वॉर में उतरा है और उसके बाद एक के बाद एक एरियाज को कैप्चर करता हुआ जा रहा है यूक्रेन में। हालांकि मैं ये पर्सनली मान के चलता हूं कि हमारे भी जितने भी लोग जो जियोपॉलिटिकल न्यूज को पढ़ते हैं और समझते हैं उनको ये बात तो डेफिनेटली मालूम होगा कि कहीं पे भी वॉर होता है या वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो वहां पे US, UK और फ्रांस इन सारे कंट्रीज को एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसके तहत ये अपने देश का वेपन्स को बेच सके। और खास करके अगर किसी भी नए टेक्नोलॉजी के ऊपर ये अगर काम कर रहे होते हैं तो ये उस वॉर में जाके उन सारे टेक्नोलॉजीज को एक लाइव सिचुएशन में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली वॉर लाइक सिचुएशन में या वॉर में वो मशीन या वो डिफेंस सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये आप CNN का आर्टिकल देख सकते हैं फरवरी 2024 का, जहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि इस पूरे वॉर में जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको कितना बेनिफिट मिल रहा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन का एक फेल्ड लीडर, एक फेल्ड पॉलिसी कंप्लीट तरीके से यूक्रेन एज एन कंट्री को वो खत्म कर दिया। वहीं पे अगर हम बात करें ज़ेलेंस्की के बारे में तो ये कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहां से ये इंटरनेशनली ये अपील करते हैं कि सारे देश मिलजुल के रशिया को प्रेशराइज करें और रशिया को ये कहें कि आप यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करें। तो इन सब चीजों को देखने के बाद जिसके पास भी एक बहुत ही बेयर मिनिमम कॉमन सेंस है उसको भी ये लग सकता है कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाने से या वहां से अपील करने से कहीं बेहतर होता कि डायरेक्टली वो US या अलायंस कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में ना आके वो बात करते व्लादिमीर पुतिन से। तो शायद चांसेस ये होता कि व्लादिमीर पुतिन मान जाते और यूक्रेन को जो एरियाज का लॉस हो रहा ऑलमोस्ट 20-25% का वो नहीं होता। करेंटली ज़ेलेंस्की सिंगापुर पहुंचे हैं जहां पे वो एशिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे और यहां से अनाउंसमेंट या यहां से रिक्वेस्ट करेंगे पूरे दुनिया से कि वो रिक्वेस्ट करें रशिया को कि वो यूक्रेन के ऊपर वॉर ना करें। साथ में वो सारे देश जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 95% कंट्रीज आज भी रशिया के साथ डायरेक्टली बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि रशिया के ऊपर उन सारे देशों का डिपेंडेंसी इतना ज्यादा है कि उनके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढ पाना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये आप एक लेटेस्ट आर्टिकल देख सकते हैं जहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो हेड है इनका नाम है रफेल ग्रॉसी, ये ऑफिशियली ये कहते हैं कि रशिया के न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर किसी भी तरीके से सैंक्शन लगाने का मतलब है कि आप EU के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। कहने का मतलब है कि सैंक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, और अगर आप किसी भी तरीके से रशिया के न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के ऊपर लग जाता है। कहने का मतलब है कि रशिया दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम का एक्सपोर्ट करता है जिस यूरेनियम का इस्तेमाल करके US में या यूरोपियन कंट्रीज में वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स चलते हैं। ऑलमोस्ट देश 40% से भी अधिक रशिया के यूरेनियम के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर हम वहीं पे बात करें US का तो US अप्रोक्सीमेटली 50% से भी अधिक डिपेंडेंट है रशिया के यूरेनियम के ऊपर। इसके बाद लगभग 100 या 100 से भी अधिक ऐसे चीजों का आज भी यूरोपियन कंट्रीज या US रशिया के साथ
बिजनेस कर रहे हैं जिसका कि और कोई ऑल्टरनेटिव उनके पास नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कोल का या ऑयल का, तो बढ़ चढ़कर आज भी यूरोपियन कंट्रीज रशियन ऑयल का इस्तेमाल कर ही रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। और साथ में अगर हम बात करें सैंक्शन का रशिया के ऊपर, तो रशिया के ऊपर लगभग 16,500 से भी अधिक सैंक्शन लगाए गए हैं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि रशिया इतना ज्यादा यूज टू हो चुका है सैंक्शन का कि उन सारे सैंक्शन का लूप होल कैसे ढूंढा जाए रशिया को ये सारे चीज बखूबी मालूम है। तो अगर हम एज एन इंडियन इस वीडियो को कंक्लूड करें, तो हमें समझ में आता है कि कभी भी हमें एक्सट्रीम स्टेप उठाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अगर हम कभी भी एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं तो हमें पॉसिबली उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचना चाहिए, और हमें कभी भी किसी भी फॉरेन एलिमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।